नमस्कार, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आज एनर्जी काफी ज्यादा है क्योंकि आज वीडियो ही कुछ ऐसी अलग होने वाली है। दोस्तों आज हमारा आजादी के इतने साल बाद भी हमारे देश की लगभग 45% जनता एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है अपने जीवन को चलाने के लिए। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बड़े दुख के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि आज इतने साल भी जहां हमारा देश इतना ग्रो कर चुका है अदर सेक्टर्स में, लेकिन बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वहीं लोगों को लगता है कि इसमें कुछ कमाई नहीं हो सकती, कुछ अपन कर ही नहीं सकते। जो एग्रीकल्चर करता है, जो खेती करता है, वो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है। और यही धारणा ऐसी है जो युवाओं में बन रही है और वो उनके इंटरेस्ट को, उनके रुझान को खेती से दूर हटा रही है। और ना केवल सिर्फ युवा बल्कि जो लोग पहले से ही जिनके परिवार खेती में जुड़े हैं, वो भी अपनी घर बार की जमीनें गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं, सब बेच रहे हैं, खेती करना बंद कर रहे हैं। उनको लगता है कुछ कर ही नहीं सकते इस सेक्टर में। तो दोस्तों इसी बात की यही तो प्रॉब्लम है यार हमारी, कि हम जो इंसान है ना, हमको तब तक किसी बात पे विश्वास नहीं होता कि जब तक सामने वाला ने वो करके नहीं दिखाया। एक एग्जांपल लेता हूँ क्रिकेट का, वनडे इंटरनेशनल का, कि जब तक किसी ने पहली डबल सेंचुरी नहीं मारी थी ना, पहले कई ज्यादा मैच हो गए थे, लेकिन लोगों को नहीं लगता था कि कोई वनडे इंटरनेशनल में भी डबल सेंचुरी मार सकता है। लेकिन जिसने पहली बार मार दी, उसके बाद दोस्तों लगातार धड़ाधड़ डबल सेंचुरी पड़ने लगी। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ फार्मिंग में भी है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में समाज से लड़कर, तानों से लड़कर, घर बार से लड़कर, अपने से लड़कर इस सेक्टर में आए। और ना केवल इस सेक्टर में आए बल्कि उन्होंने प्रूव किया कि आप भी इससे धमाकेदार कमाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आज ऐसे ही किसान के बारे में जानेंगे जिन्होंने ना केवल खेती करके खुद को अच्छा मुनाफा दिया बल्कि जो आसपास के किसान है ना, उनको भी जोड़कर उनको भी अच्छा इनकम जनरेट करने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों आज हम एक नया शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में जोड़ने जा रहे हैं, फार्मरप्रेन्योर। फार्मरप्रेन्योर हमने मतलब दो शब्द को जोड़ा है, फार्मर प्लस एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो लोग फार्मिंग को बिजनेस से जोड़ देते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, मेरी नज़र में वो है फार्मरप्रेन्योर। तो ये ही आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे ही सक्सेसफुल फार्मर्स के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ फार्मिंग में उखाड़ा है और दुनिया को अपना लोहा मनवा के बताया, लोगों को प्रूफ किया है यार। और बताएंगे इनकी स्टोरी के बारे में, कहां से शुरुआत हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आई। और एक नहीं कई सारी वीडियोस, पूरी की पूरी सीरीज हम ला रहे हैं ताकि आप जान सके इनकी स्टोरी के बारे में और आप रिलेट कर सके। और आप भी अगर ऐसी परिस्थिति में और कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और बात करूं दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं, आपको नहीं बनाना है कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ पर पहुंचो आप। मुझे आप लोगों को बनाना है 10,000 लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ वाला बनाना है, तो ऑटोमेटिकली मैं 10,000 20,000 करोड़ का हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करूंगा। दोस्तों इस सीरीज के एपिसोड 1 में आज हम बात करेंगे राकेश चौधरी जी के बारे में, जो कि एक फार्मर है। हमारी बात भाषा में कहूँ, जो वर्ड बताया था आपको, फार्मरप्रेन्योर है। दोस्तों इन्होंने लगभग अपनी कंपनी को 10 करोड़ का सालाना टर्नओवर है और 2022 में इनका टारगेट है दोस्तों 100 करोड़ का टर्नओवर का फार्मिंग में। तो अब इनकी स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में, राजपुरा से, जो कि नागौर जिले में स्थित है। दोस्तों इस 100 करोड़ के आंकड़े को पहले साइड में रखते हैं और इनकी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में पहले बात करते हैं। तो दोस्तों जो राकेश जी है ना, स्टार्टिंग से ही फार्मिंग करना चाहते थे। इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था जोस्टॉक में, एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की, तो वो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। उसमें उन्होंने खुद ने बताया है, जब ये जयपुर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपने गाँव आ गए। और इनके माता पिता, जैसे कि सबके माता पिता हमारी मिडिल क्लास फैमिली में चाहते हैं कि उनके बेटे कुछ नहीं, बेटे बेटी बच्चे जो भी हैं वो सरकारी नौकरी कर लें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन आजकल तो प्राइवेटाइजेशन आ रहा, लेकिन दोस्तों इनका मन तो था खेती करने का और ये थे भैया अपने स्वभाव के पक्के कि जो सोचा है वही करेंगे। तो ये आ गए जयपुर से अपने गांव और लग गए खेती करने। दोस्तों किसी चीज को करने की अगर आपके मन में शिद्दत से चाहे ना, तो भगवान भी आपके लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। दोस्तों जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे ना, तो इनके एक परिचित थे, उन्होंने एक ऐसे इंसान से इनको मिलाया जो कि मेडिसिनल फार्मिंग, जो कि औषधीय खेती रहती है, वो लोगों को, फार्मर्स को प्रोत्साहन करने वाली संस्था चलाते थे। तो इन्होंने उस संस्था के उन जो मेंबर्स थे उनसे काफ़ी कुछ सीखा, नॉलेज सीखा, जिसके बाद 2004 में इन्होंने राजस्थान बोर्ड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और इनके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके बाद दोस्तों इन्होंने ट्रेनिंग भी ली उस संस्था से। और दोस्तों ये तो प्रकृति का नियम है कि आप कुछ भी चीज़ ट्राई कर रहे हैं ना, आप उसमें फेल होंगे,
और फेल होकर फिर आप डबल खड़े होंगे ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। सन 2005 में ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने गांव में इनके नाते रिश्तेदारों को मनाया उससे दे खेती करने के लिए, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था यार, और उनको उस खेती में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, रिश्तेदारों के ताने सहने पड़े। लेकिन भैया राकेश चौधरी जी कहाँ रुकने वाले थे यार, अब भैया निराशा तो हाथ में लग गई थी, अब क्या कर सकते हैं, क्विट कर नहीं सकते क्योंकि कमिटमेंट भी कर दिया है। तो अब दोस्तों उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया कि मैंने इसमें क्या क्या गलतियां कर दी कि मैं इस फसल में जो मैंने ट्राई किया इसमें फेल हुआ। फिर उन्होंने पता लगा कि जलवायु मौसम और टेम्परेचर के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर अगले साल इन्होंने फिर ट्राई किया और राजस्थान के मौसम के हिसाब से इन्होंने एलोवेरा की खेती को चुना और उसकी फसल स्टार्ट की। अब एलोवेरा की खेती करने के लिए इनकी खुद की पर्याप्त जमीन ही काफ़ी नहीं होती क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, आसपास के किसानों को मनाना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने प्लान के बारे में समझाया और बताया, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विकल्प किया, किसानों के साथ सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि जमीन आपकी होगी, जो भी प्लांटिंग मटेरियल होगा, पौधा आएगा, वो सब मेरा होगा, मेहनत आप करेंगे, फिर उसको पौधे को कहाँ बेचना है, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, वो सब मैं देखूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये तो हो गया, लेकिन दोस्तों समस्या, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही समस्या है, हर दिन आपको नए चैलेंजेस आएंगे और आपको अगर सफल होना है तो उनको फेस भी करना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो अगली समस्या इनके पास आ गई कि मैं प्लांटिंग मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, अब कहाँ से लाएं पैसा यार। अब यहाँ पे राकेश जी ने क्या किया, अपनी पत्नी के धर्म पत्नी को मनाया, उनके गहने गिरवी रखे, फिर बैंक से लोन लिया, कर्जदारों से लोन लिया, इस तरीके से उन्होंने जैसे तैसे करके बिल्कुल जुगाड़ करके प्लांटिंग मटेरियल किसानों को उपलब्ध कराया। अब फसल आ गई, प्लांटिंग मटेरियल लगा दिया, फसल आ गई, अब उन्हें अगली समस्या हुई उस फसल को बेचने में, अब बेचे कहाँ इसको। तो स्टार्टिंग में तो उन्हें काफ़ी धक्के मिले, काफ़ी रिजेक्शन्स आए और आने भी चाहिए यार, अगर आपको मतलब सोना बनना है, खंजर बनना है तो लोहे तो तपना ही पड़ेगा यार। तो इस तरीके से उनकी घिसाई हुई, खूब घिसाई हुई, लपक के घिसाई हुई, जिसके बाद दोस्तों आखिरी में किसी कंपनी ने उनका माल खरीदा और इसी के साथ इनकी सफलता का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर अगले साल इन्होंने फिर से फार्मिंग कराई, किसानों से और ज़्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ा, कई सारे किसान आगे से उनके साथ आए, आगे से किसानों ने उनको ऑफर दिया, क्योंकि यार जब आप सफल होते हो ना तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल तपना तो पड़ेगा यार। तो ऐसे करते करते फिर अगले साल की जो फसल आई ना, उसको किसी मुंबई की एक बड़ी कंपनी ने खरीदा और फसल की जो एलोवेरा की पल्प थी उसकी क्वालिटी को देखकर उन्होंने उनके गांव में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी, जिसके चलते दोस्तों उस प्रोसेसिंग यूनिट के चलते गांव के कई सारी महिलाओं को रोजगार मिला यार। तो ऐसे में अगर आप कुछ करते हैं ना तो आपके गांव में काफ़ी लोगों को कुछ फ़ायदा होता है। एक बिजनेसमैन ही है जो देश को चलाता है दोस्तों, कोई सरकार कोई कुछ नहीं चलता, सरकारी नौकरी तो कुछ ही होगी लेकिन एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी ही पूरे देश को खाना खिलाता है। अब दोस्तों गांव में प्रोसेसिंग यूनिट लग गई, सब लोग खुश हुए। अब ऐसे में दोस्तों यार मतलब बात का फैलना तो बनता है, लोगों का और जुड़ना बनता है, क्योंकि यार जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ना आपकी जर्नी में, सफलता की जर्नी में, लोग आपके पीछे जुड़ते चले जाते हैं। बट एक बात याद रखना, जिसके पास अकेले चलने का हौसला होता है ना, उसके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। तो यही राकेश जी के साथ हो रहा है आज के टाइम पे। आज उनके साथ हजारों किसान जुड़े हैं और उन्होंने न केवल उन किसानों की आय बढ़ाई है बल्कि उनमें एक उमंग भी पैदा की है, कई युवाओं में दोस्तों एक हौसला पैदा करने का उन्होंने एक मतलब मिसाल सेट की है उनके जीवन से, उनके लक्ष्य से, कि यार आप कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं खेती में तो न केवल आप खुद कमाएंगे बल्कि आपके आसपास के जो किसान हैं ना उनको भी काफ़ी मदद कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। एलोवेरा की फार्मिंग में दोस्तों मैं बताता हूँ, एक सबसे बड़ा नुकसान रहता है कि कंपनी, कई सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं, आपसे कॉन्टेक्ट करती है, भग जाती है, लेकिन यार इस तरीके से अगर आप ट्रस्ट जीत कर काम करोगे ना और किसानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया बेचने का उनकी, क्योंकि यहाँ बेचने की समस्या आती है एलोवेरा की फार्मिंग में, कहाँ बेचें, तो इस तरीके से ये समस्या राकेश जी ने सुलझाई, तो लोगों का रुझान बढ़ना तेज था यार। और इसके बाद प्रॉफिट तो आता है एलोवेरा की फार्मिंग से, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आता है नहीं आता, क्योंकि एलोवेरा के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई दवाइयों को बनाने में, एलोवेरा के जूस बनाने में, एलोवेरा की जेल में, जिसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, कई सारी चीज़ें इससे बनती है। तो इसी के साथ इन्होंने, राकेश जी ने अपनी खुद की कंपनी भी बनाई विनायक हर्बल फर्म के नाम से, और दोस्तों
जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो पहला मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि जब उनका टारगेट, उनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2022 तक इनका टारगेट है दोस्तों 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ रुपये आप सोच सकते हैं दोस्तों। अगर आप में हिम्मत है ना, आप में अकेला चलने का हौसला है, तो आप भी कर सकते हैं। बस अकेला चलो तो सही यार। और दोस्तों बात करूं मैं अपनी, तो यार मैंने भी इनके जीवन से कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है यार, कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि इनकी और ऐसे ही इनके जैसे कई सारे फार्मर्स की सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुँचाऊँ, इनकी जर्नी आपको बताऊँ, ताकि आप में भी यार एक हौसला पैदा हो। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो कीजिए, ना हो तो मत कीजिए, आपकी चॉइस है। बस मेरा काम है बताना, आपको इन्फॉर्मेशन देना। और कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो इनको इस तरीके की वीडियोस, इनको और मनोबल बढ़ता है, कई अदर फार्मापिनर्स पैदा होंगे यार। और तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो यार, काफी एनर्जी काफी मेहनत के बाद वीडियो बनती है यार। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है पढ़ा लिखा किसान, उसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लो यार, आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट करना बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही वीडियो अब धड़ाधड़ आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।